वेलकम टू टेक इनफो यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं हमारी फर्स्ट रिएक्ट जेएस की ऐप। तो इसमें हम दो मेथड देखेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में इंस्टॉलेशन देखा था, तो उसमें हमने क्या किया था, क्रिएट रिएक्ट ऐप को ग्लोबली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल किया था। तो उसकी मदद से भी हम जो है एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही में मैंने आपसे कहा था कि हम NPX की मदद से भी इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि हमारी React JS की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों भी हम जो है मेथड्स देखने वाले इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो यहाँ पर मैं अपने ई ड्राइव में हूँ और यहाँ पर मैं क्रिएट करने वाला हूँ मेरा React JS का प्रोजेक्ट। तो आप भी कहीं पर भी अपने React JS की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप पर भी आप कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में जो है मेरे ई ड्राइव के अंदर जो है एक React JS फोल्डर क्रिएट किया है मैंने, उसके अंदर मैं जो है इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाला हूँ। तो सिंपली अब आप क्या करें, अगर विंडोज यूज करते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट, और मैक यूज करते हो तो टर्मिनल ओपन कर लें आप, और इस पाथ पर आप चले जाए, यानी कि आपको जहां पर भी आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो वहां पर आप चले जाए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो उसी में से आप क्या करें, उस डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर जाए, ई के अंदर मेरे पास React JS का फोल्डर है और उसके अंदर कुछ पहले से भी क्रिएट की हुई ऐप है, लेकिन इस वीडियो में मैं फ्रेश ऐप क्रिएट करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं शिफ्ट और राइट क्लिक करूंगा माउस का, तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन आएगा ओपन पावर शेल विंडो हियर। तो यहाँ से भी मैं डायरेक्टली रिएक्ट के एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकता हूँ। तो अब हमने देखा था दो वेज, सिंपल हमने पहले लोकली यानी कि ग्लोबली हमारे सिस्टम में क्रिएट रिएक्ट को इंस्टॉल कर लिया था, तो उसकी मदद से हम सबसे पहले देखेंगे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, लिखना है पहले क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, और इसके बाद में आपको आपकी एप्लीकेशन का नाम लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेमो वन और इंटर प्रेस करूंगा। तो अब ये क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो यार्न टूल की मदद से जो है, या फिर आप कहें NPM की मदद से उसको डाउनलोड कर देगा, और इन दी एंड हमको क्या मिलेगा, हमारा डेमो वन का ऐप। तो मेक श्योर आप जो है इंटरनेट से कनेक्टेड हो और आपका कनेक्शन अच्छा हो, क्योंकि ये टाइम लेता है, 6 से 7 मिनट इसको कुछ डाउनलोड होने के लिए लगते हैं। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को जो है पॉज कर देता हूँ। सो फाइनली गाइस, यहाँ पर जो है एप्लीकेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो अब हमको क्या करना है, लिखना है CD और उसके बाद में हमारी एप्लीकेशन का नाम, जो कि हमने किया था डेमो वन। अब इसमें स्विच कर लिया, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, CLS लिख के एंटर प्रेस करें तो सारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। तो इसको मैं क्या करूँगा, विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन करूंगा। तो आपने अगर विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करके रखा है तो आप सिंपली लिखें कोड और उसके बाद में डॉट लगाकर एंटर प्रेस कर दें, तो इस प्रोजेक्ट को ये क्या करेगा, विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन कर लेगा। तो इसे ओपन होने के लिए भी टाइम लगेगा। तो साथ ही में ये जब तक ओपन और लोड होता है, मैं आपको क्या करता हूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि React JS पर विजिट कराता हूँ और बताता हूँ कि हम कैसे जो है NPX का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद यहाँ पर आप जो है डॉक्स पर क्लिक करें और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बताएंगे कैसे आप NPX की मदद से जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप कर सकते हैं या फिर रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, उससे पहले कुछ यहाँ पर हिंट है यानी कि इंफॉर्मेशन है कि इसके लिए आपका नोड का वर्जन कम से कम 8.10 होना चाहिए और NPM का वर्जन कम से कम 5.6 होना चाहिए, तभी ये NPX की कमांड जो है वर्क करेगी। तो चलिए वापस चलता हूँ मैं पावर शेल में। तो देखिए यहाँ पर जो है, सबसे पहले मैं बता दूँ विजुअल स्टूडियो कोड में ये प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सारे फोल्डर्स, पब्लिक फोल्डर्स और सोर्स फोल्डर हमारे यहाँ पर फाइल्स आ चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कम्प्लीटली इसको देखेंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कैसे हम रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए सेकेंड मेथड है NPX की मदद से। अब NPX की मदद से अगर आपको क्रिएट करना है तो सिंपली लिखना है आपको NPX उसके बाद में क्रिएट रिएक्ट ऐप और इसके बाद में आपको आपकी
एप्लीकेशन का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेमो टू और इंटर प्रेस करूंगा तो वापस से सारा जो भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है डिपेंडेंसीज का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप NPX का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या किया है, ग्लोबली हमारे सिस्टम में क्रिएट रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, तो हमको NPX की जरूरत ही नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको टर्मिनेट करता हूँ, कंट्रोल सी करूंगा और यस तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, CLS तो क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। और अगर आपको इस फाइल को रन करना है तो आपको लिखना है यार्न स्टार्ट। यार्न को अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो आप NPM के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यार्न को इंस्टॉल कर ले। तो यहाँ पे मैं यार्न स्टार्ट लिखकर इंटर प्रेस करता हूँ तो ये सारा फाइल जो है हमारा कंपाइल होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, उस डायरेक्टरी के अंदर आना है, क्या है डेमो 1। डेमो 1 का हमारा जो है प्रोजेक्ट नेम है, यानी कि फोल्डर जो क्रिएट हुआ था ऐप के जरिए। अब इसके अंदर हमको लिखना है यार स्टार्ट, तो ये ऑटोमेटिकली सारे जो भी कोड है वेब पैक के थ्रू कंपाइल करेगा। और हमको एक पोर्ट पर, जो कि नॉर्मली होता है पोर्ट 3000 पर, हमारी एप्लीकेशन को रन करवा के दे देगा। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है, ज्यादा नहीं, क्रिएट रिएक्ट ऐप से तो कम ही ये टाइम लेता है स्टार्ट होने में। और ये ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर पर ओपन कर देगा, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है तो वहां पर जो है इसका पेज, डिफॉल्ट पेज ओपन हो जाएगा पोर्ट नंबर 3000 पर। तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ चुका है स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, तो कुछ ही मिनट में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन लोड हो रही है लोकल होस्ट 3000 पर। तो यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन रखता हूँ ताकि आपको दोनों भी मैसेज दिखाई दे क्या हो रहा है। स्टिल स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, थोड़ा टाइम लेता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली लोकल होस्ट 3000 पर प्रोग्राम जो है, यानी कि प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पोर्ट नंबर भी दे देता है, यानी कि IP एड्रेस के साथ, या फिर आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये डिफॉल्ट उसका होम पेज है, जैसे कोई भी अगर आप एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे रिएक्ट ऐप की मदद से, क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से, तो ये डिफॉल्ट होता है। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं और हमारी खुद की एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कंप्लीट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखेंगे ईच ऑफ फाइल, यानी कि कौन सी फाइल किस लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पर हमको मिलेंगे, तो कौन सी फाइल किस लिए यूज होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।